मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बुधवार को 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 4500 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके बारी बारी से उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई और उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद सभी श्रमिकों को लंच पैकेट, बिस्किट, फल और पानी दिया गया। फिर उनके जिले की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। बसों में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 से 30 यात्रियों को ही बैठाया गया। इस संबंध में एटीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्रमिकों की जांच के लिए 13 काउंटर बनाए गए हैं। उस काउंटर पर उनका नाम पता और कहां से आए हैं, क्या करते हैं, पूरा डिटेल नोट किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बस में 25 श्रमिकों को उनके जिलों में की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। एक ट्रेन आने के बाद प्लेटफार्म को सैनिटाइज करवा दिया जा रहा है जिससे कि संक्रमण ना फैलने पाए। इस मौके पर एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एनडीआरएफ इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता, जिला अस्पताल की जाँच टीम, रेलकर्मी एवं जीआरपी के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रमिक सुनील यादव, शेषनाथ एवं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। 13 नंबर भैया, अरे लंच ले लो बाबू, लंच ले लो।13 नंबर सर बोलो ना जी, चौरी चौर चौरी 13 नंबर 13 नंबर बस्ती के लिए 31 नंबर रुद्रपुर 18-19-20 जिसमें जगह
कुछ ही घंटों में मिल जाएगा, आप अपने घरों पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप हमारा सहयोग करेंगे, आप कुछ बने रहेंगे, आपको थर्मल स्कैनिंग कराना पड़ेगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद आपका टेबल पर नाम बताना होगा, मोबाइल नंबर नोट होगा, वहाँ आधार कार्ड दिखाएंगे। उसके बाद आपको बताया जाएगा किन बसों पर बैठना है, फिर आप अपने बस में जाकर बैठेंगे। सुनील यादव सर, न्यू तनवा जाना कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत अच्छी सरकार है, हमको कोई पूरी फुल व्यवस्था मिली है गुजरात से लेके यूपी तक, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छी सरकार है सर, फिर आना चाहिए सरकार, और हम लोग के लिए बहुत बहुत बधाई हो सरकार को भी। मेरा शेष नाथ नाम है, हम जाएंगे देवरिया। सरकार के द्वारा आपको बुलाया गया है और यहाँ से घर तक पहुँचाया जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? ना, सब व्यवस्था अच्छा है। कैसी आपको रास्ते में व्यवस्था मिली? अच्छा मिली, यहाँ पे स्टेशन पे अच्छा ही मिल रहा है। सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ना, सरकार के बारे में अच्छा ही है। ट्रेन में यात्री उतर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, स्कैनिंग करते हुए उनको बसों में बिठाया जा रहा है, और यहाँ पर फूड पैकेट्स और वाटर बॉटल दी जा रही हैं। इसके बाद 25 से 26 के एवरेज से प्रत्येक बस में बैठाकर इन लोगों को संबंधित डिस्ट्रिक्टों में भेजा जा रहा है। दोपहर में सैनिटाइज भी किया गया है, 13 काउंटर चल रहे हैं, हर ट्रेन के बाद सैनिटाइज भी किया जा रहा है। 13 जाँच काउंटर हैं, 13 पे जाँच चल रही है, और पूरा रिकॉर्ड यात्री कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, नाम, पता, पिता का नाम और उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और वो क्या काम करता था उस राज्य में जहाँ से आ रहा है, ये सब डिटेल अंकित किए जा रहे हैं। इस समय 260 बसें हमारी रिजर्व में रखी हैं और 60 बसें यहाँ लगी हुई हैं।